एक राजा था और उसके राज्य में वो बहुत परेशान रहता था क्योंकि उसका कोई बच्चा नहीं था, उसकी कोई औलाद नहीं थी। और उसने बहुत सारे पंडितों को, बहुत सारे तांत्रिकों को, बहुत सारे लोगों को, जहाँ जहाँ तक उसकी पहुँच थी, उसने बोला कि मुझे कोई उपाय बताया जाए जिससे मेरी औलाद हो। तो एक तांत्रिक महाराज जी उसके पास आए और राजा जी को बोला कि राजा जी, आपको अगर बेटा चाहिए तो आपको किसी के बेटे की बलि देनी होगी। तो राजा जी ने बोला कि बात तो ये गलत है, चीज़ तो ये ठीक नहीं है कि हम किसी की बच्चे की बलि दें और उसके बाद हम अपना बेटा प्राप्त करें। लेकिन उन्होंने बोला ठीक है भाई, आप कीजिए तैयार कोई बलि के लिए बच्चा। सारे राज्य में ढूंढ ढांड के जिस बच्चे के माँ बाप जो थे, उन्होंने पैसे के लालच में आकर राजा को अपना बच्चा बेच दिया। तांत्रिक उस बच्चे को लेकर आया और उस बच्चे को उन्होंने जिस दिन बलि देनी थी उस दिन उस बच्चे को लेकर आए, नहलाया धुलाया, उसको अच्छे कपड़े पहनाए, अच्छा भोजन कराया और अंत में उस बच्चे को बताया गया कि भैया अब तेरी बलि दी जाएगी क्योंकि राजा के घर में औलाद नहीं है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि जब वो बच्चा बलि के लिए आया तो वो बच्चा बिल्कुल भी नहीं घबराया। उसने आकर राजा की तरफ देखा और राजा ने पूछा, बच्चा तू क्या चाहता है, अपनी आखिरी इच्छा बोल। उस बच्चे ने बोला कि राजा जी, मैं चाहता हूँ मेरे आगे बलि से पहले 4 रेत की ढेरियाँ रख दी जाएं। तो बहुत आसान चीज़ थी, 4 ढेरियाँ उसके आगे रख दी गई और वो रेत की ढेरियों के पास गया और एक ढेरी, 2 ढेरी, 3 ढेरी, 3 ढेरियाँ उसने तोड़ दी। चौथी ढेरी के पास गया और चुपचाप बैठ गया और उसने ये बोला कि राजा जी, मैं तैयार हूँ, मैं अपनी बलि देने के लिए तैयार हूँ, तो आप मेरी बलि देने का जो आपने प्रयोजन शुरू करना है वो आप आरंभ कीजिए। राजा ने तांत्रिक को बोला कि भैया, इसने ये जो 3 रेत की ढेरियाँ तोड़ी हैं, मेरे मन में तो पहले प्रश्न है कि मैं पूछूं कि ये क्यों किया, बच्चे से पूछा किया। बच्चे ने बहुत ज़्यादा नम्रता के साथ राजा जी को जवाब दिया कि राजा जी, ये 4 ढेरियाँ मैंने बनाई, इन 4 ढेरियों का मतलब था कि मैं 4 जनों पर विश्वास करता था। पहले मेरे माता पिता, जिन पर मैं बहुत विश्वास करता था, लेकिन मेरे उस विश्वास का कुछ नहीं हुआ। मेरे माता पिता ने पैसे के लालच में आकर मुझे आपके हाथों बेच दिया और वो ढेरी मैंने ख़त्म कर दी कि वो विश्वास मेरा टूट गया। दूसरी ढेरी, मुझे अपने आप के ऊपर बहुत विश्वास था, मुझे ये था कि मैं कुछ भी चाहूँ मैं कर सकता हूँ, लेकिन अब मेरा अंत आ गया, मेरा वो भी विश्वास टूट गया और वो रेत की ढेरी मैंने तोड़ दी। तीसरा, मुझे विश्वास था इस राज्य के राजा के ऊपर कि ये राज्य का जो राजा है वो बहुत दयालु है, बहुत अच्छा है, अगर मेरे ऊपर कोई मुसीबत आएगी तो मुझे ये राज्य का राजा जो है वो हमेशा बचाएगा। लेकिन आज आपके ऊपर मुसीबत है और आपने मेरी बलि मांग ली तो मेरा विश्वास वहाँ भी डगमगा गया, तो मैंने वो भी रेत की ढेरी तोड़ दी। अब चौथा विश्वास जो मेरा है वो मेरे अपने गुरुजनों के ऊपर, मेरे ईश्वर के ऊपर है और वो रेत की डोरी जो ढेरी है वो सलामत पड़ी है, अब तो उन्हीं के हाथ डोरी है, वो जो चाहेंगे करेंगे, रही तो मेरे मरने के बाद, मेरी बलि के बाद आप इस जो ढेरी है रेत की, इसको भी ख़राब कर दीजिएगा। तो कहने का तात्पर्य यही है कि राजा को उसी समय ध्यान में आया, उसके दिमाग में बुद्धि आई कि जो बच्चा अगर ये सोच रहा है कि उसने अपने आप को सरेंडर किया है ईश्वर के सामने और मैं तो ईश्वर से बड़ा हो ही नहीं सकता, जिस बच्चे को इतनी आस है उस ईश्वर के ऊपर, तो वो इसका कैसे बिगाड़ सकता है। उसने तांत्रिक को बोला, जी ये सब समापन किया जाए, मैं बच्चा पैदा करने के लिए इस बच्चे की बलि जो देने वाला हूँ, इससे बेटर है कि मैं इसी बच्चे को क्यों ना गोद ले लूँ, इतना समझदार बच्चा मुझे मिल जाएगा तो इससे बढ़कर मेरे लिए क्या होगा। तो वो सारा प्रयोजन ख़त्म हो गया और उस बच्चे को गोद ले दिया गया, क्योंकि उस ईश्वर की जब कृपा होती है, जब हम उस ईश्वर के आगे नतमस्तक हो जाते हैं, जब उसके आगे हम सरेंडर कर देते हैं कि तू ही तू है, तू ही